हेलो एंड वेलकम गाइज वेरी वेरी वेलकम एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग गाइज न्यू चैप्टर टुडेज चैप्टर दैट वी हैव इज़ कॉन्स फिल्म फेस्टिवल कॉन्स फिल फेस्टिवल अवार्ड्स आपके 24 घंटे से 48 घंटे पहले दिए गए और उसकी चर्चा हम आपके साथ यहां पर करने वाले हैं Uh, तो अगर हम कॉन्स फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो कॉन्स फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही पॉपुलर इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड हर साल जो फेस्टिवल होता है तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि इंडिया में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा uh, क्रेज़ आपका रहता है इस बार तो कई सारे इन्फ्लुन्जर्स भी यहाँ पर गए थे आपको नैन्सी करके एक लड़की का भी uh, uh, एक uh, फ़ोटो और एक वीडियो याद होगा जहाँ पर uh, कैसे रैक्स टू रिच स्टोरी है कैसे uh, वो अपनी मम्मी को चाहती थी कि कैसे वो उसकी मम्मी जो है वो घर पे रहे और बाहर ना जाए काम करने कैसे उसने फिर डिज़ाइनिंग शुरू की कपड़ों की और कैसे वो फिर वहाँ पर पहुँचे इसके अलावा कई और इंफ्लुंस भी गए थे लेकिन इसमें इस बार इंडिया के लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी बिकॉज़ पहली बार हमें कुछ बड़े अवार्ड्स इस बार मिले हैं और ये हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री या फिर जो फिल्मोग्राफी देश की रही है उसके लिए काफ़ी बेहतर बात है तो चलिए शुरू करते हैं और कान्स फिल्म फेस्टिवल की आपके साथ बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल का नाम पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था और ये एक प्रेस्टिजियस एनुअल फेस्टिवल है जो कि कान सिटी फ्रांस में होता है और 1946 से लगातार ये फ्रांस में कानस में कराया जा रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के लोग अपने फिल्म्स को लाते हैं अलग अलग जॉनर्स के पेश करने के लिए और डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं जो अलग अलग जगह से यहाँ पर आती है और हर साल ये पलायस डेस फेस्टिवल एट डेस्ट कांग्रेस जो कि मई में, में है यहीं पर ये यह इवेंट आपका कराया जाता है इस बार का जो एडिशन है वो सेवेंटी एडिशन है कमिल uh, कॉटन इसकी होस्टेस हैं जो इन्होंने होस्ट किया मेन इवेंट भी और फिर आपका क्लोजिंग सेरेमनी भी और फोर्टीन से लेकर ट्वेंटी फिफ्थ मे तक ये इवेंट आपका लगातार चलता रहा इस बार जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो कि चाहे इंडिविजुअल बात करें या फिल्म कैटेगरी में बात करें वो होता है पाम दी और इस बार ऑलरेडी या फिर अगर मैं इसको आ, इंटरप्रेट करूं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी की तरह जो ऑनरेडी पाम दर अवार्ड था वो दिया गया सबसे पहले मैरिज स्ट्रीप को ओपनिंग सेरेमनी में फिर स्टूडियो गिब्ली को और आखिरी में जॉर्ज लूकस को इस फेस्टिवल के दौरान ये तीन अवार्ड दिए गए जॉर्ज लूकस एक बेहद ही पॉपुलर प्रजेंटर हैं और एज अ होमवर्क आपको बताना है प्रेजेंटे इन सेंस की एक मूवी मूवी को प्रोड्यूस करना प्रेजेंट करना डायरेक्ट करना उसमें काफ़ी पॉपुलर है और एक एक बहुत ही सेमिनल फिल्म है हॉलीवुड में एक कालजई मूवी है हॉलीवुड की जिसको इन्होंने शोकेस किया है बनाया है उसका नाम आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और मेरिल स्ट्रीप तो खैर बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं तो इन तीनों को ये सम्मान दिया गया है ओपनिंग फिल्म इस फेस्टिवल की थी द सेकेंड एक्ट डायरेक्टेड बाय क्वेंटिन डुपीक्स क्वेंटिन ड्युपियो और क्लोजिंग फिल्म थी अनोरा जिसे शॉन बेकर ने डायरेक्ट आपका किया इंडिया की प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया ने इस बार काफी तरीकों से प्रेजेंस अपना यहां पर फील कराया फॉर एग्जाम्पल पहली बार आ, इंडिया का एक इवेंट भारत पर्व कांस में उसका अलग से इवेंट कराया गया सिमिलरली uh, पायल कपाड़िया जो है उन्हें आ, मिला दी आ, पाम दी और का एक अवार्ड है द ग्रांड प्री आ, अवार्ड जो है वो इनको दिया गया फॉर ऑल वी इमेजिन एज लाइट्स में जो कि दो नर्सेस की लाइफ पे सेंटर करती है uh, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट फाइनल ईयर की स्टूडेंट उनका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था सनफ्लावर्स फ्लावर्स द फर्स्ट वंस टू नो चिदानंदा एस नायक उनको मिला फिफ्टी में शॉर्ट फिल्म कन्नड़ा फोकलोर के बेस के लिए लास्ट सिनेफ का सेक्शन में द बेस्ट प्राइज इन अ शॉर्ट फिल्म सिमिलरली अनुसुया सेन गुप्ता वो बनी पहली इंडियन मे, मेल और फीमेल जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया फॉर हर परफॉर्मेंस इन द शेमलेस एट द एट इन इन द शेमलेस एट द कांस फिल्म फेस्टिवल तो कई बड़े बड़े सम्मान भारत के लोगों को भी यहाँ पर दिए गए अब अगर हम अवार्ड्स की बात करें और वन बाय वन अवार्ड्स पे चलें कि किन अवार्ड्स किन कैटेगरीज को आपको याद करना है तो सबसे पहले है पाम दर अवार्ड जो बिगेस्ट अवार्ड है वो दिया गया अनोरा को इसे डायरेक्ट किया है शॉन बेकर ने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2024 की प्रोडक्शन है और यूएस इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है जहां पर ये मूवी को फिल्मोग्राफी और प्रोड्यूस और डेवलप की गई है ग्रैंड प्री अवार्ड जो सेकेंड हाइस्ट अवार्ड है इस बार हर बार के कांस uh, फेस्टिवल का वो अवार्ड इस बार दोस्तों दिया गया टू पायल कपाडियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट दो हज़ार चौबीस प्रोडक्शन है और फ्रांस इंडिया नीदरलैंड और लेग्जम्बर्ग का ये एक जॉइंट प्रोडक्शन था जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर दिया गया टू मिगेल गोमेस के लिए और uh, इनको ये सम्मान जो है अभी रिसेंट में दिया गया इनका नाम है मिगेल गोमेस सिमिलरली जूरी प्राइज जो है जो जूरी ने डिसाइड किया उसमें एमिलिया पेरेस जो है उनको मिला फॉर म्यूजिकल कॉमेडी क्राइम फिल्म इसके लिए बेस्ट फिल्म का वो बेस्ट अवार्ड मिला डायरेक्ट किया इस मूवी को जैकस ओदिया ने और ये फ्रांस बेस्ड मूवी है और इसके लिए सम्मान दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस में जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये अलग अलग अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस में एज पर द जूरी सेलेना गुमेज़ कार्ला सोफिया गस्कोन ज़ोई सल्डानाAdriana Paz और मूवी का नाम है आपका एमेलिया पेरेस फिर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया जेसी प्लेमोंस को मूवी थी आपकी द काइंड काँग ऑफ काइंडनेस और इसके अलावा कई सारे और अवार्ड्स थे फॉर एग्जांपल अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन पे दिया गया सब्सटेंस के लिए टू कोरालाइ फरागेट सिमिलरली कास्ट अवार्ड सी एस टी ऑफ टेक्निकल आर्टिस्ट दिया गया दारिया दंताना नाथ नियो को फॉर पार्थनोपे एवजीनिया एलेक्सा अंद्रोवा को दिया गया फॉर लेस फेमस अल बोलकॉन ये दिया गया यंग फिल्म टेक्नीशियन प्राइज के लिए अगेन ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाले प्लीज पढ़ लेना Uh, फिर पाम दी और शॉर्ट फिल्म अवार्ड दिया गया द मैन हु कुड नॉट रिमेन साइलेंट डायरेक्ट किया नेबोसा सिल्गे प्रेविक ने ये प्रोडक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी क्रोएशिया फ्रांस बल्गरिया स्लोवेनिया जो प्रोडक्शन और फोर्टी मिनट्स की ये आपकी एक शॉर्ट फिल्म थी शॉर्ट फिल्म स्पेशल डिस्टिक्शन अवार्ड दिया गया ट्वेंटी का बैट फॉर अ मोमेंट डायरेक्टेड बाय डैनियल सोरेस और पॉर्चुगल बेस्ड मूवी थी पंद्रह मिनट की ये भी आपकी मूवी थी सिमिलरली दोस्तों अनसर्टन रिगार्ड जो है आ, उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले जो अनसर्टन रिकार्ड प्राइज़ था वो दिया गया टू गाउजेंड को फो और गाउजेंड ब्लैकडॉ कहते हैं उस इंग्लिश में बाइव हुमिलरली रेस्टोरे दे सोल्वे मायने को दिया गया बोरी ऑल्किन के लिए चूरी प्राइज़ फॉर अनसर्टन रिकार्ड फिर एक और अवार्ड दिया गया अनसर्टन रिकार्ड में टू uh, uh, रुंगाओ ने फ्लाउल रॉबर्ट मेरनी को दिया गया डॉम्ड के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड तो ये अलग कैटेगरी जिसमें इनको ये अलग अलग अवार्ड आपके दोस्तों दिए गए इसी कैटेगरी में अनसर्टन रिगार्ड में अनुसुया गुप्ता को मिला सेन गुप्ता को मिला है बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड तो ये पाम डिओ कैटरी नहीं है यह अनसर्टन रिकार्ड कैटेगरी है सिमिलरली बेस्ट एक्टर रिकार्ड में दिया गया अबू संगारे को फॉर लाहिस्लिमान और यूथ अवार्ड दिया गया टू विंग डिलियो फॉर लुई डिओ जो

विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्मन रिगार्ड एट दिन किस मूवी को मिला है इसका बेस्ट मूवी का अवार्ड इन दिन सर्टन रिगार्ड ब्लैक डॉग सवाल ऐसे बनेगा सन फ्लावर्स वर्ट वो नो डायरेक्टेड बाई स्टूडेंट ऑफ एफ टी आई पुणे शॉर्ट फिल्म ऑफ द फॉलोइंग आंसर है मिसेज मिस चिदानंदा एस नायक

स्टूडिया गिबिल और जो पहले के जो तीन है उनको यह सम्मान दिया गया हूम द फॉलोइंगज वन द बेस्ट डरेक्टर अवार्ड एट दिवस इनका नाम है आपका मिगेल गोमेज अद्रियाना पास कार्ला सोफिया गैसान सेलना गोमेज एंड जुई सल्दाना है बेस्ट एक्टर्स अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्मिवल इन सबको एक साथ अवार्ड मिला है फॉर एम एलिया पेराइस इस मूवी के लिए इसमें ये आपकी चार एक्टर्स है इन चारों को एक साथ ये अवार्ड बेस्ट एक्टर्स का इसी मूवी के लिए दिया गया हु द फॉलोइंग हैज वन द अनसर्टन रिकार्ड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अलग डिमेंशन uh, अलग कैटेगरी है ये अवार्ड दिया गया टू बोथ सी एन डी दैट इज रोबोटो मिनरनी एंड रुगानो न्यूनी नेम द एक्टर हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दैमसेवेंट कॉन्स फेस्टिवल फॉर परफॉर्मेंस इन काइंड ऑफ काइंडनेस इनका नाम है आपका जैसे प्लेमोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉज द क्लोजिंग फिल्म एट सैमसेवेंड कॉन्स फेस्टिवल नाम है अनोरा

इंडिया के संतोष सिवन एक बहुत ही पॉपुलर सिनेमाटोग्राफर हैं और ये बहुत ही खोज कर हमने करंट अफेयर निकाली है मेरी मेरी टीम ने और ये क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा ये पहले एशियन बने जिन्हें दिया गया द पियरी एनरो ट्रिब्यूट ट्रिब्यू अवार्ड ट्रिब्यूट अवार, ट्रिब्यू अवार्ड फॉर हिज करियर एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ वर्क तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर अब हम कोशिश कर रहे हैं हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो भी कंटेंट हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करें यूट्यूब पे उसके लिए आप जरूर जो फॉलो कीजिए इस चैनल को और मुलाकात करेंगे वापस से हम कल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर